वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अरशद अहमद स्टार ट्रेलर के साथ। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया कि मैं आज सैर करने के लिए यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। तो ये हमारे इलाका है, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो बैठे हैं। तो आज मैं अपने चचा चाचू के पास आया हुआ हूँ। जो ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये इसके ओनर हैं, और आज हम उनका इंटरव्यू लेंगे कि यहाँ पर तंबाकू की काश्त की जाती है और इसका क्या हिसाब किताब होता है, ये कितने महीने की फसल होती है, ये आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल MA स्टार ट्रेलर को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नए आने वाले दोस्तों को मेरा मैसेज मिलता रहे, अगली आने वाले वीडियोज का मैसेज मिलता रहे। चलो चलते हैं फिर इंटरव्यू की तरफ। शुक्रिया अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम आप कैमरे पे आए हुए हैं। ये मेरे चचा जात हैं, तो ये ज़मीन के ओनर हैं, मालिक हैं। तो ये तंबाकू की यहाँ पर काश्त की जाती है, जो कि तंबाकू पूरे पाकिस्तान में और गैर मुल्कों में भी मशहूर है। ज़िला राजनपुर तहसील जामपुर में हम मौजूद हैं इस टाइम। तो आज हम इनसे कुछ तंबाकू के बारे में सवाल करेंगे। तो आप ये बताएँ कि ये तंबाकू की काश्त किस महीने में की जाती है, कब की जाती है? ये तंबाकू की जो फसल है ना, ये अभी से शुरुआत इसकी हो चुकी है, यानी कि दिसंबर में। जी जी, ये अभी जो है ना, कुछ लोगों ने यहाँ काश्त कर दिया है, कुछ अभी कर रहे हैं आसपास। तो आपने अपनी सारी ज़मीन की कर ली काश्त? हमने कर ली, ये जो सामने फसल है ये हमने काश्त कर ली है। अच्छा, बाकी जिन लोगों की सब्जी है या प्याज है, वो लोग तकरीबन 10-15 दिन के बाद काश्त कर लेंगे। बाकी ये फसल जो है ना, कणक कटाई के दौरान ये भी ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये कितने महीने की होती है? ये चार महीने का होता है फसल। चार महीने की ये फसल होती है। इसमें उगाने का यही देखा है कि इसमें नरम करके ज़मीन को फिर हल लगाते हैं, फिर चरी लगा के इसको अलग तरीके से इसका पहले तैयार की जाती है पनीरी, फिर इसमें बोया जाता है। अच्छा, यानी कि पहले आप किसी और ज़मीन में उगाते हैं, फिर वहाँ से इसको निकाल कर किसी और ज़मीन में लगाते हैं। जी जी, फिर ये जो है ना, छोटा पौधा होता है, इसको तकरीबन 1-1.5 फुट तक जो होता है, इसको ऊपर टहनी जो होता है तोड़ देते हैं। अच्छा, यानी कि पत्ते के ऊपर एक और आ जाती है। 5-6 पत्ते तक इसको रखते हैं, उससे ज़्यादा पत्र इसके नहीं होने देते पत्ते। वो ये क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि इनका पत्ता जो है ना, तकरीबन इतना मकसद है 2-1.5 फुट तक चौड़ा हो जाता है, मोटाई भी हो जाती है। अच्छा, उस पत्ते को जो है ना, खुराक सारी उसको लगती है, 3-4-5 पत्ते जो होते हैं, इसकी काठी फिर अलग हो जाती है, पत्ता जो है अलग उसका रेट होता है, वो अलग अलग बेचते हैं। अलग बेचते हैं काठी। तो आप ये बताएं कि जो इसकी जो दरमियान वाली लकड़ होती है, वो उसका रेट आप क्या देते हैं? दरमियान वाली जो इसकी लाठी होती है, उसका तकरीबन उसका 900-800 मन का हिसाब होता है। अच्छा, तो जो इसका पत्ता जो होता है, इसको अलग करके ये जो पत्ता है ये सुखा के फिर इसको बेचते हैं, इसका जो है ना किस्त जो है ना 8,000, बाकी नग जो है ना 7,000-6,500। दोस्तों ये कहना, आपने 8,000 रुपये मन इसका जो कि तंबाकू का पत्ता होता है, 8,000 रुपये मन पे ये बेचते हैं, इनसे जो डीलर होते हैं वो ख़रीदते हैं। तो यहाँ आपका खर्चा कितना हो जाता है इधर इस फसल पे? इसमें हो जाता है तकरीबन 5-7 बोरी वो लग जाती है एकड़ में एक किले में, यानी किले में। फिर जो है ना, ये 4 महीने में तैयार हो जाता है, गर्मी में इसकी कटाई होती है, ज़मीन पे पड़ा रहता है 10-12 दिन के बाद, फिर इसको काट के पत्ते को अलग रखते हैं, इसको कमरों में बंद करते हैं, फिर आता है पठान पिशावर से, वो इसको ख़रीद के ले जाता है। बाकी सपोटा बनाने का सब इदारी निज़ाम है, पीसी हो के फिर ले जाते हैं। तो इसका सिरगढ़ भी बनता है, मसवार भी बनता है। यानी कि आपका मतलब है कि एक किले के ऊपर आपका 40-50,000 का खर्चा हो जाता है? नहीं नहीं, कम होता है। तो फिर वो एक किला आपको कितने मन दे देता है? यानी ये तकरीबन अच्छा जो है ना, किला 50 मन भी दे जाता है। किला 50 मन, उससे कम जो है ना 20 मन मकसद बीघा होता है, 40 मन एकड़ का होता है। तो ये फसल अच्छी है। और प्याज पहले इस गर्मी में प्याज थे, यानी कि ये साल में 12 महीने में 4 महीने की जाती है इसकी, 4 महीने की फसल। तो बाकी जो 8 महीने होते हैं, तब आप क्या करते हैं इस ज़मीन के ऊपर? गर्मी में जो है ना, अक्सर ज़मीनें जो है ना, ज़िम्मेदार अक्सर बना के इसको रख देते हैं, फिर हैदराबाद से प्याज ले आते हैं, वो इसमें प्याज करते हैं, वो जो है ना प्याज अभी ख़त्म होने वाला है। फिर कुछ लोग जो है ना सब्ज़ी भी काश्त करते हैं, गोभी होगी और होगी,
ज़्यादातर जो है ये एरिया सैफन शोरे का मशहूर है पाकिस्तान का, इसमें सिर्फ तम्बाकू ही काश्त होता है, आस पास नहीं होता, ना इधर कण का फसल होता है ना कोई कपास का। ये जो है ना रकबे बहुत अच्छे रकबे हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार जो है ना मकसद है अच्छे हैं, इसका हिस्सा जो है ना वो आप ये नहीं कहते हो ये खुद आप यहाँ पर खुद काश्त करते हैं या आपके नीचे कोई और लोग होते हैं जैसे कि कोई मजदूर गरीब लोग वो काम करते आते हैं, वो उनको हिस्सा दिया जाता है पांचवा हिस्सा, आप उनको पांचवा हिस्सा दे जाता है, वो इसमें मकसद है इसको बोने का भी उसको पैसा देते हैं, काटने का बनाने का भी पैसा देते हैं, वो अलग पैसे देते हैं, वो अलग पांचवा हिस्सा जो फसल बिकेगी मकसद पांचवा मन उसका होगा जी, पाँचवा ये अच्छी फसल है माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में। आप यानी क्या है ये चार महीने ये इस फसल की काश्त करते हैं और आठ महीने आप गोभी वगैरह सब्जी की काश्त करते हैं, सब्जी मकई होगी गर्मी में वो फसल होती है इधर माशाल्लाह, ये इलाका जो है ना पाकिस्तान का वो इलाका है जो कहलाते हैं इधर के लोग, ये जो है ना दुबई से भी ज़्यादा इधर पैसा होता है जी जी बिल्कुल, गर्मी में इधर फसल लोग जितने भी हैं खुशहाल होते हैं, सर्दी में खर्चा करते हैं इन फसलों पे, गर्मियों में जो है बिक जाता है, फिर जो है ना ये लोग बड़े खुशहाल हो जाते हैं, हर आदमी के पैसा होता है हर आदमी के पास। बाकी ये है फसल, आप लोगों ने देख लिया माशाल्लाह ये फसल अच्छा है, अभी तैयारी शुरू हो रही है, बहुत इलाका खूबसूरत है, और हर तरफ के अभी छोटा छोटा है, तकरीबन 15-20 दिन के बाद इसको रंबा लगाएगा, रंबा लगने के बाद फिर जो है ना इसको पानी खाद दिया जाएगा, ये तकरीबन 1 फुट का जब होगा इनको रोक दिया जाएगा, उसके बाद जो है ना फिर इसके पत्ते जो है ना उनके साथ एक दूसरी टहनी निकलती है उसको भी हम तोड़ते हैं, तो ये इसके तरह जो है ना इसको खाद खुराक जो लगती है सिर्फ पत्तों पे लगती है, सिर्फ पत्तों पे फिर ये चल पत्ता जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है। चलो ये बात बहुत अच्छी आपने बताई, तो आपका बहुत शुक्रिया माशाल्लाह, शुक्रिया मेहरबानी, आपने बहुत अहम बात बताई दोस्तों को मेरे, तो दोस्तों ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये छोटा सा पौधा है तंबाकू का, ये इसके जैसे के उन्होंने बताया जो इस ज़मीन के मालिक थे इस फसल के, ये देख रहे हैं ये इसके पत्ते हैं, तो ये इसका पत्ता और ये बीच वाली इसकी टहनी है, ये वाली टहनी, ये तकरीबन 1 फुट जितना बड़ा हो जाता है और 2-2.5 फुट का ये पत्ता होता है, सिर्फ ये लोग इस पत्ते को रखते हैं और कुछ किसी चीज़ को भी नहीं रखते, इन सिर्फ पत्तों को रखते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से मैंने आज इंटरव्यू लिया है इस ज़मीन के ओनर थे, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कॉमेंट और लाइक शेयर करना मत भूलना, इंशाल्लाह आगे मुलाकात होगी इसी तरह से, अगर कोई और अच्छी सी मुलाकात मुझे मिली तो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो मैं यहीं पर 1 हफ़्ते के लिए आया हूं घूमने के लिए अपनी शॉप बंद करके, तो 1 हफ़्ते के बाद इंशाल्लाह मैं अपनी शॉप पर जाऊंगा और वहां की भी वीडियो आपको बता कर दिखाऊंगा, तो आगे मुलाकात होगी।